नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल का किया गया निरीक्षण। हम आपको बता दें कि कोलकाता के घटना के बाद अब खंडवा एसपी, कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा मिलकर ये निरीक्षण किया गया। खंडवा के जिला अस्पताल परिसर में दो गेटों को बंद किया जाएगा और वहीं जो बाउंड्री वॉल छोटी छोटी बनी है, इन पर तार फेंसिंग की जाएगी। इसी का निरीक्षण करने के लिए आज खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज कुमार राय, एडिशनल एसपी महेंद्र ताणेकर एवं पुलिस बल, वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, नगर निगम की टीम द्वारा ये निरीक्षण किया गया। कोलकाता की घटना के बाद खंडवा पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। वहीं चप्पे चप्पे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। वहीं हर एक मरीज से लेकर परिजनों तक की होगी निगरानी। ये निरीक्षण में तय ये हुआ कि ये सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम दो बनाए जाएंगे, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल के ए ब्लॉक में एक कंट्रोल रूम रहेगा, दूसरा पुलिस कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में एक ही गेट बनाया जाएगा, जहाँ से सभी को आना है और वहीं से जाना है। बाकी हॉस्पिटल परिसर में जितने भी गेट है, इनको बंद कर दिया जाएगा। कोलकाता में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस क्रम में शासन द्वारा अस्पतालों में जो विभिन्न सुरक्षा मानकों को देखने के निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में हमारे माननीय कमिश्नर साहब भी लास्ट वीक में आए थे और उनके द्वारा भी अस्पताल का भ्रमण किया गया था, जो हमारे ए और बी ब्लॉक हैं, जो पुराना अस्पताल है। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज के सभागार में मीटिंग भी ली गई थी। उसी क्रम में उसके फॉलोअप के लिए ये आज की विजिट थी, जिसमें जो जो निर्देश दिए गए थे उसको देखा गया कि उस निर्देशों के पालन में हम लोग आज किस स्तर तक पहुँचे हैं। तो आप अभी हम लोगों ने देखा कि जो जिला अस्पताल है, जो उसका परिसर है, उसमें दो जगह बाउंड्री हमारी टूटी है। कल उसमें पीआईयू द्वारा काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एक सीसीटीवी का कंट्रोल रूम बनेगा, जिसमें 24 घंटे एक राउंड द क्लॉक व्यक्ति की ड्यूटी रहेगी, जो सुनिश्चित करेगा कि हर समय उस सीसीटीवी के माध्यम से अस्पताल के पूरे परिसर पर निगरानी रखी जा सके। उसका फीड, एक फीड पुलिस कंट्रोल रूम में रहेगा, एक फीड डीन साहब के पास रहेगा, सिविल सर्जन साहब के पास रहेगा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास रहेगा। उद्देश्य ये है कि जिला अस्पताल के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके और हर तरीके से जो यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो भी सुरक्षित महसूस हो। साथ ही जो यहाँ पर मरीज हैं, उसके अटेंडेंट, उनके साथ भी कोई तरीके की कोई दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। सर, सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हैं प्रीमाइसेस में? देखिए, अभी तकरीबन 100-150 के आसपास सीसीटीवी लगे हैं, अभी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता है। और अभी हम लोग जो डार्क स्पॉट है, जैसे कि कुछ अभी तो जितनी स्ट्रीट लाइट है सारी चालू है। अभी रात में हमारी टीम में जो एडीएम अरविंद चौहान है और जो सीएसपी सब मिलकर रात में भी सरप्राइज विजिट भी करेंगे और वो देखेंगे कि कौन से भी स्पॉट ऐसे बचे हैं जहां पर लाइट लगना शेष है। वैसे स्ट्रीट लाइट चालू हो चुकी, बिल्डिंगों पे जो लाइट लगी हुई उसको देखेंगे। साथ ही कुछ जगह ट्रिमिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जो वृक्ष, उनकी शाखाओं बढ़ने से रोशनी थोड़ी कम आ रही है। तो नगर निगम के कमिश्नर भी अभी मौजूद थे, उनको भी निर्देश दिया गया, कल से उनकी टीम आके ट्रिमिंग करना शुरू कर देगी। सुरक्षा गार्ड वाले कुछ सुरक्षा गार्ड जो हमारे हाइट्स की टीम उसके तरफ से डिप्लॉयड है, कुल मिला के 93 के आसपास सुरक्षा गार्ड अभी बढ़ाए जाएंगे क्या? अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं। अभी सबसे पहला हमारा सीसीटीवी पे, सीसीटीवी और लाइट, उसके बाद जो विभाग के जो निर्देश हैं, जो वित्तीय सीमा है, उसके भीतर हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। मेन ये है कि जो पुलिस का जो गश्ती होती है रात में, वो लोग भी यहाँ रात में आके चेक करते हैं, है ना, कि क्या स्थिति है, हमारा जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति वो सही से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ट्रॉमा सेंटर के आसपास क्या स्थिति है। अभी पुलिस को भी एक स्पेस ट्रॉमा सेंटर के पास दिया गया, जहाँ परमानेंट 102 व्यक्ति रहेंगे, जो इंश्योर करेंगे कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से शांति उत्पन्न ना करे। सर, डॉक्टर्स और स्टाफ जो है, उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की कोई सुझाव दिए गए हैं या शिकायत की गई है? शिकायत नहीं, सुझाव दिए गए थे कि किस तरीके से हम अस्पताल में व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, मरीजों को सुविधा दिला सकते हैं और सभी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन्हीं तीन बिंदुओं पे जो सुझाव दिए गए, तो उसी के पालना के क्रम में ही काम किए जा रहे हैं और मुश्किल से 2-4 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर दी जाएंगी। सर, सबसे जो प्रमुख है वो हमारा एक्सेस कंट्रोल ही रहेगा। तो जो मल्टीपल एंट्रीज, उनको बंद किया जाएगा, एक सिंगल एंट्री रखी जाएगी और जो भी उस एंट्री के
माध्यम से अंदर प्रवेश करेगा, वहाँ गार्ड के द्वारा उनका रजिस्टर में एंट्री वेंट्री भी की जाएगी और पूछताछ का क्रम जारी रहेगा कि भाई कौन व्यक्ति है, ताकि सुनिश्चित कोई व्यक्ति गैर जरूरी जिसको आवश्यकता नहीं वो परिसर में ना है, जो वास्तव में पेशेंट के साथ है वो रहे। और यहाँ कोविड से पहले जिला अस्पताल में जो मरीजों के अटेंडेंट के रुकने की व्यवस्था थी, कितने समय वो विजिट कर सकते हैं, जो विजिटिंग आवर्स है वो भी फिक्स किए जाएंगे, लागू किया जाएगा। उसमें होता ये था कि अस्पताल में जो जरूरी लोग रहते थे उतने ही रुक पाते थे और उनके पास एक वैलिड पास रहता था, ताकि अभी देखा जाता ना कि कोई भी आ रहा है रुक रहा है जिसको आवश्यकता भी नहीं है, तो इस तरीके से सुझाव आए थे स्टाफ की तरफ से, उनको भी हम लोगों ने गौर किया, जो बाहर से वेंडर आते हैं उनको भी रोका जाएगा।